की जा रही थी कि रेलवे में रिक्रूटमेंट हो उसका एक एनुअल कैलेंडर बने जी। और एनुअल कैलेंडर इस तरह से बने कि पूरे बच्चों को जो कैंडिडेट्स रेलवे रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से एग्ज़ाम का टाइम रहे और हर साल एग्ज़ाम रहे, जिससे कि हर साल इनटेक होता रहे, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिल सके। एक साथ जब लंपी, खूब सारे लोगों को एक साथ लंपी चार चार पाँच पाँच साल के गैप में जब लिया जाता है तो ट्रेनिंग भी सफ़र करती है। इसी विचार के साथ, इसी प्रॉपर थिंकिंग के कारण एनुअल कैलेंडर बनाया गया रेलवे का, जो कि आज या सोमवार को रिलीज होगा। इसमें जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब कैटेगरीज का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एनुअली इनटेक रहेगा। साल में चार बार एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकलेगा, हर कैटेगरी का अलग अलग रहेगा, ताकि सभी को अवसर मिले। और जब एक साथ खूब गैप के साथ जब होता था रिक्रूटमेंट, तो उसमें कई बच्चे एज का दिक्कत आ जाती थी, एज बार हो जाते थे। हर साल होने से एज बार की व्यवस्था, एज बार की प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। युवाओं को रोजगार के लिए